हमारी भारतीय संस्कृति में आम और उसके पत्तों का खासा महत्व होता है। आम जिस तरह से हमारी जुबान को अपनी मिठास से भर देता है, ठीक उसी तरह उसके पत्ते भी हमारे जीवन में मिठास भरने का काम करते हैं। पूजा पाठ जैसे धार्मिक अनुष्ठान में जब कलश की स्थापना की जाती है, तब जल से भरे कलश के ऊपर आम की पत्तियां रखी जाती हैं। आपको बता दें, कुछ खास मौकों पर घर के मुख्य दरवाजे पर आम की पत्तियों से बने तोरण को लगाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं आम के पत्तों के तोरण की मान्यता क्या है। आपको बता दें, सदियों से हमारे देश में आम के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। अभी तो किसी तरह की मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तोरण, बांस के खम्बे आदि में भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा। हमारी भारतीय संस्कृति में आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समिधा के रूप में वैदिक काल से ही किया जा रहा है। माना जाता है कि आम की लकड़ी घी, हवन सामग्री आदि के साथ हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाली हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर में सुख व समृद्धि बढ़ती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य निवर्धन पूरे हो जाते हैं। बुरी शक्तियां एवं नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती है, इसलिए दरवाजे पर आम के पत्तों को लटकाना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक आम हनुमान जी का प्रिय फल है, इसलिए जहाँ भी आम और आम का पत्ता होता है, वहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। 69 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।